सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। ऐसे समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन जगत माता के दरबार में आकर के इस प्रातः काल की आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता की कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ही और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नौमी पर्यंत जो है, जे 9 दिन जो है बहुत शांति की नवरात्रि होती है। माँ भगवती के विशेष दिन जो है, जो शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक जो है दिन होते हैं, तो आज से जो प्रथम नवरात्र है, प्रथम नवरात्र के अवसर पर आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को जो है, भारतवासियों को सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले राज्य के राज्यपाल जो है उन्हें बधाई देना चाहता हूं। प्रथम नवरात्र के अवसर पर माँ वैष्णो देवी की ओर से वर्धापन, माँ भगवती आशीर्वाद दी और सबका जो है वह कल्याण करें। हार्दिक इस शुभ नवरात्र के अवसर पर जो है गवर्नर साहब राज्यपाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं माँ के दरबार की ओर से बहुत बधाई। और उसके बाद में श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको जो है माँ वैष्णो देवी की ओर से इस प्रथम नवरात्र के अवसर पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई। दरबार में आए हुए जितने भक्तजन जो हैं सबको प्रथम नवरात्र की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवती आप सबका मंगल करें और विश्व के सभी भक्तों को जो है इस शुभ अवसर पर जो है नवरात्र के वसंत नवरात्र के प्रथम नवरात्र के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और माँ भगवती सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको आशीर्वाद दे और सभी जो है सुख को प्राप्त करें। बोलो सच्चे दरबार की। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो है नव संवत्सर का जो है ये आरंभ होता है। आज के दिन जो है नव संवत्सर जो है इसी का प्रारंभ होता है और ये अत्यंत जो है ये पवित्र तिथि मानी गई है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है इसी तिथि से जो है पितामह ब्रह्मा जो है आज के दिन ही सृष्टि का निर्माण, जे किया सृष्टि का प्रारंभ जो था वह आज के दिन इसी तिथि को जो है ये हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जो है चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज पृथ्वी हणि शुक्ल पक्ष समग्रेतु तथा सूर्योदय सती। तो इस तिथि को जो है रेति नक्षत्र में विषकुंभ योग में दिन के जो समय भगवान के आदि अवतार जो है मत्स्य रूप का अवतार जो प्रादुर्भाव भी जो है ये माना जाता है। आज के दिन जो है ये पहला अवतार जो मत्स्य अवतार, जिस समय इस सृष्टि पर कुछ नहीं था, जल ही जल था और जल में कौन जीव रह सकता है, उस समय जो है भगवान ने मत्स्य रूप जो है ये धन करके जो अवतरित हुए थे, इनका प्रादुर्भाव हुआ था, वह भी आज का ही दिन था। युगों में जो है प्रथम सतयुग का प्रारंभ जो था ये भी आज के दिन जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही हुआ था। इस तिथि को जो ही हुआ था इसी दिन जो है सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है शकों पर विजय प्राप्त की थी और जो है उसे चिरस्थायी बनाने के लिए जो है विक्रमी संवत का जो है प्रारंभ किया था। तभी से जो नाम जो विक्रमी संवत सर जो है पड़ा और इसी दिन का जो दिन से जो है वसंतिक नवरात्र जो है भगवती की पूजा का जो विशेष दिन जो है पहला दिन जो है जे प्रतिपदा से 9 दिन जो है इस शक्ति पूजन का जे प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार इसी दिन वसंतिक नवरात्र का प्रारंभ होता है और इसी कारण जो है जे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है आज का दिन जो है। इस दिन जो है जो भी व्यक्ति जो है किए हुए जप का जो है दान का पुण्य कर्म का जो कहते हैं कि वर्ष भर जो है जी जीवन में जो है वर्ष भर जो है धन धान्य की समृद्धि होती है, सुख समृद्धा बनी रहती है और जो है सर्वत्र जो है सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो जे 9 दिन की साधना विशेष जो है ये शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन जो बतलाए गए हैं, जिसमें शक्ति की पूजा जो है जी की जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी जो है बल ढूंढ नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से
बार बार नमस्कार है। वह भगवती आदिशक्ति हम सब भक्तों का कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। तो विक्रमादित्य सब संवाद 2070 जो है ये आज से ये प्रारंभ हुआ नव संवत्सर जो है। इस नव संवत्सर की जो है आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। तो विक्रमादित्य सब संवाद 2070 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ही और 6 अप्रैल 2019 शनिवार के दिन जो है ये आज है परिधाबी नाम का संवत्सर जो है जे नया संवत्सर जो है ये प्रारंभ हुआ है। संवत्सर का प्रारंभ हुआ जो है जिस प्रकार से परिधाबी नाम का संवत्सर जो है जे आज से जे इसका प्रारंभ हुआ है। नव संवत्सर के राजा जो है जे शनि है और मंत्री जो है जे सूर्य है, पिता पुत्र है। राजा जो है शनि है, पुत्र है और जो है मंत्री जो है वह सूर्य है, वह पिता है। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी ग्रहों को जो है प्राप्त होने से नेताओं प्रशासकों तथा जो है लोगों में परस्पर जो है बैर विरोध टकराव एवं होड़ की जो भावना जो है ये अधिक प्रबल होती है। तो इस प्रकार से ये राजा जो है संवत्सर का जो है शनि है और मंत्री जो है ये सूर्य है। आज के जो संवत्सर का जो है जिसका नाम जो है परिधाबी नाम का जो है संवत्सर प्रारंभ हुआ है और ये नया संवत्सर जो प्रारंभ होगा है ये भगवती के आशीर्वाद से आप सबका मंगल करने वाला हो, कल्याण को देने वाला हो, सब प्रकार के सुखों को देने वाला हो, सब प्रकार से मंगल को देने वाला हो। माँ भगवती सर्वत्र आप सब भक्तों का मंगल मंगल करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायण नमस्ते। तो इस प्रकार से आज प्रथम दिन जो है इसमें जब शक्ति की उपासना करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमारा ये वर्ष जो है ठीक प्रकार से रहे, इसमें किसी प्रकार विघ्न बाधा ना आए और माँ आप हमारी रक्षा करना, जो भी विघ्न बाधा होंगी उन विघ्न बाधाओं को दूर कर करके सर्वत्र जो है हम भक्तों का कल्याण करना। नवरात्र जो है जो भारतीय गृहस्थ के लिए जो है ये शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय जो है ये विशेष दिन होते हैं जिसमें प्रत्येक जो है बाल वृद्ध नर नारी सभी जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है ये 9 दिन माँ भगवती की जगजन्य जगत माता की पूजा माँ की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा भजनों के द्वारा भगवती को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन विशेष प्रजन करते हैं भक्तजन जो है भगवती की आराधना कर करके, क्योंकि ये 9 दिन शक्ति के जो होते हैं जिसमें भगवती को प्रसन्न करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। वह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, उनके समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, धन लाभ होते हैं और सर्वत्र जो है वह साधक जन जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। जी रुद्र जामल तंत्र में जो है कहा गया है नव शक्ति समाज उत्तम नवरात्रों तदुच्यते, 9 शक्तियों के युक्त होने से जो है इसे नवरात्र कहा गया है। वह 9 शक्ति क्या है? प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे थी, कुशमणि चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते थी, षष्टम कार्त नीति च, सप्तम काल रात्रि थी, महाघोरी च, अष्टम नवम सिद्धि धात्री च, नव दुर्गा प्रकृति था। 9 दुर्गा जो है जो 9 दिन भगवती जो है भगवती की जो साधना की जाती है, पहले दिन जो है पहला स्वरूप जो है भगवती का ये शैलपुत्री का है। तो आज के दिन भक्तजन जो है शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, शैल पर्वत को कहते हैं, पर्वत की पुत्री पार्वती, शैलपुत्री जी उमा जी माँ भगवती के जो नाम जो है। तो इस प्रकार से आज के दिन शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए भक्तजन जो है अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर करके माँ की साधना प्रारंभ करते, माँ की साधना वास्तव में साधना जो है जो मूलाधार चक्र से जो प्रारंभ होती है 7 चक्र ही है। तो प्रतिदिन एक एक चक्र में मन को जो स्थित करते हुए साधु भगवती के नाम का जप करता है, साधना करता है और माँ की विशेष कृपा प्राप्त करता है। नभ्य रात्रि भी संपद्धते जैसा नवरात्र। तो इस प्रकार से जो 9 रात्रि का जो समय जो है नवरात्र, नव को नया कहा गया है
और रात्र है, तो न्याय अर्थात न्याय संवत्सर जो है आज पहला नवरात्र है और न्याय संवत्सर जो प्रारंभ हुआ है और नव जो संख्यावाचक शब्द भी है नौ, तो नौ दिन का जो समय जो है जो विशेष समय होता है जिसमें भगवती की पूजा आराधना हम कर करके भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति नौ नवरात्र माँ भगवती की और नौ ही जो नौ प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। तो नवदा भक्ति जो है जय और नवग्रह यद्यपि बहुत सारे आकाश मंडल ग्रह हैं तो जो है उनकी संख्या मुख्य रूप से नौ ही बतलाई गई है और नवरत्न नौ प्रकार के रत्न हैं, अन्य बहुत सारे रत्न हैं परंतु नवरत्न जो है इनका विशेष महत्व बतलाया गया है। रामनवमी जो है भगवान श्री राम ने भी नवमी के दिन जो है जी जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था दिन के 12 बजे नवमी के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही जो है और विशाख शुक्ल पक्ष की सीता नवमी जो है माँ भगवती आदि शक्ति ने भी जो है जे नवमी के दिन ही जे अवतार लिया था शक्ति ने, इसलिए जे नौ की संख्या का बड़ा विशेष महत्व है। सीता नवमी जे सभी जो नौ शब्दों की महत्ता के द्योतक हैं और इस प्रकार से भगवती के जो नवान मंत्र है उसके भी नौ अक्षर हैं, इसलिए नौ की संख्या के ऊपर कोई संख्या नहीं है। नौ प्रकार जे मंत्र जो है जे परम शक्तिशाली मंत्र जो है यहाँ भगवती का मूल मंत्र जो है इसके नौ अक्षर है और नौ ही नवरात्र होते हैं। नौ दिन जो है भगवती की साधना करते हैं साधक जन इस मंत्र का जो है विशेष जो है आप जप करें और आज जो है जे चैत्र शुक्ल पक्ष की परिपदा जो है जो पहला नवरात्र है और ये जो है वैद्यती योग जो है तो कहते हैं कि वैद्यति और चित्र नक्षत्र यदि हो तो वह त्याज्य होता है, तो आज वैद्यति योग है इसलिए आज शाखारोपण और जो है कल स्थापन का जो मुहूर्त जो है ये अभिजित मुहूर्त बतलाया गया है जो 12:06 पर जो प्रारंभ होगा और 12:54 तक जो है रहेगा, तो इसलिए 12 और 1 के बीच में जो है आप जो है कल स्थापन और शाखारोपण कर करके आप भगवती की साधना प्रारंभ करें, व्रत करें और इस मंत्र का जो जप करें जो मूल मंत्र विशेष करके और भी जो जिस मंत्र का जप कर सकते हैं वह करें श्रीमद् देवी भागवत का पाठ और विशेष करके जो मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ भगवती के जो मूल मंत्र जो परम शक्तिशाली मंत्र ही और साक्षात भगवती के स्वरूप ही इस मंत्र को आपने हृदय में ध्यान कर करके और भगवती का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवती के जब विशेष दिन होते हैं उन विशेष दिनों में किया हुआ जप पाठ जो है इसका अक्षय फल होते हैं, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो इसलिए आप सब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे सब मिल करके बोलना और इस मंत्र को ध्यान कर करके आप जहाँ पर जितनी देर रुकें दरबार में कहीं भी किसी भी कोने बैठ करके जो है आप इस मंत्र का जप करें, क्योंकि मंत्र जप करना जिस पीठ पर आप आए हुए शक्ति पीठ पर आकर के तो कहते हैं कि स्थान पर बैठ करके जब नाम जप किए जाते हैं तो उसका जो है अनंत गुना फल होते हैं, 100 गुना फल होते हैं, 1 माला करते हैं तो 100 माला का फल जो मिलता है। तो इसी प्रकार से आप कहीं बैठ करके आप भगवती का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करें और जप करते हुए आप अपने घरों में जाएं और घरों में जो है इस मंत्र का जो है आप खूब जप करें, अधिक से अधिक फलम जितना अधिक जो जप करेंगे उतना अधिक फल होगा और इन तीनों की देवियों की वास्तव में इस मंत्र का जप करने से महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है अर्थात निरोगी जीवन निरोगी काया धन लक्ष्मी की प्राप्ति और माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है जब तीनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है तो सभी मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। नवान मंत्र माँ भगवती का बीज मंत्र है परम शक्तिशाली मंत्र और इस मंत्र का आप जितना जप कर सकते हैं जप करें और जो है दुर्गा पूजा जो है
जे विशेष करके जे जे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली है, चारों पुरुषार्थ को देने वाली है, जो इस प्रकार से जे भगवती की विशेष पूजा आराधना अर्चना करते हैं उन्हें माँ की कृपा से धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है, वह धर्म से कभी विचलित नहीं होते, अर्थ धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है, काम माँ भगवती के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोलक्ष्य की कामना पूर्ण होती है तथा मोक्ष अंत में वह पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस संसार में आकर साधक जो है इस संसार में रहते हुए समस्त भोगों का भोग करते हुए अंत में माँ के आशीर्वाद से उन्हें पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा शब्द में जो है सबसे पहले द शब्द आता है, दकार जो है, दकार जो है जो दैत्य नाशक है, जो दैत्यों का नाश करने वाला है, उकार उसके उपरांत जो उकार ओ जो है, उकार जो विघ्न नाश समस्त विघ्नों को दूर करने वाला, फिर इसके ऊपर जो रेफ लगा हुआ रा लगा हुआ है तो रेफ जो है जो रोग नाशक है, रोगों का नाश करने वाला, गकार ग जो है यहाँ पाप नाशक है, पापों का नाश करने वाला, तथा आ जो है आकार जो है जय भय शत्रु नाशक है, इसलिए कहा है कि दुर्गा दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा जी ही जो दुखों का नाश करने वाली ही, सुखों को देने वाली ही, पापों का नाश करने वाली ही, परम पुण्य को देने वाली ही, इसलिए जो भक्तजन माँ भगवती दुर्गा के शरणागत होकर के भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उन भक्तों पर इस जामा जगजन्य की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोवलिष्ट कामना जो है वह पूर्ण होती है। जहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो है प्रत्येक नवरात्रों में जो है सचंडी महायज्ञ किए जाते हैं, जिसका जिसके लिए जो संकल्प किए जाते हैं विश्व शांति के लिए जो है ये यज्ञ किए जाते हैं, ये जो आप दान दक्षिणा माँ के दरबार में चढ़ाते हैं, ये सब केवल मात्र देखिए आपकी सुविधा के लिए सब प्रकार की व्यवस्था जो की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी स्टैंड बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका निर्माण हुआ है, जहाँ पर बच्चे जो है अध्ययन करते हैं और विद्या प्राप्त कर करके लाभान्वित होते हैं, और ये सब आपका ही सहयोग है, ये जो जो धन धन जो है भेंट आप चढ़ाते हैं उसी से इसका निर्माण हुआ, फिर वहाँ पर जो है श्री माता वैष्णो देवी स्टैंड बोर्ड नारायणा हॉस्पिटल जो है उसका निर्माण हुआ, और जो गुरुकुल जो है चरण पाद के पास ही वहाँ पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती है, और इस प्रकार से विशेषकर वहाँ संस्कृत का जो है वेद पाठ का विशेष जो है किया जाता है और सब आधुनिक शिक्षा भी जो है वहाँ पर दी जाती है। ये सब आपके सहयोग से जो है ये सब जो पुण्य कर्म हो रहे हैं, जो धर्म कर्म जो आपका धन जो आते हैं अच्छे अच्छे कार्य में लगते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दरबार से भैरव घाटी जाने के लिए वो वे का जो है जो व्यवस्था जो की गई है, इस प्रकार से यहाँ जिस सब सुविधा जो है, जो और अभी जो है जो दुर्गा भवन का निर्माण जो है जो भी प्रारंभ हो गया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है। रोपवे के लिए अब इतना सुखद रास्ता हो गया है, सभी जो माँ के दर्शन करके भैरव भावक भी दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और दुर्गा भवन जो है जो भी लोगों के रहने के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हो सके, उनको सुख सुविधा उनको रहने की सुविधा प्राप्त हो सके, तो उसका भी जे शुभारंभ जो है ये हो चुका है, और प्रत्येक नवरात्र में यहाँ पर सचंडी महायज्ञ किया जाता है, वह भी सब आप लोगों के द्वारा ही वह यज्ञ होते हैं, और यज्ञ के लिए जो है उसमें जो यज्ञ जो है सचंडी यज्ञ जो है उसमें जप होता है, हवन होता है, पाठ होता है, श्रीमद्देवी भागवत का जो है पाठ किया जाता है, नवग्रह के मंत्रों का पाठ किया जाता है, नवान मंत्र का जो है उसका जो जप किया जाता है, इस प्रकार से प्रतिदिन जो है 9 दिन जो है जो लगातार हवन जो चलता है, और उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो, उससे उत्पन्न होने वाला जो पुण्य जो है वह पूरे विश्व को प्राप्त हो और पूरा विश्व जो है सुख को प्राप्त करे। बोलो सच्चे दरबार की है।